बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसको रुख करेंगे। बीजेपी नेता विजय जैन कांग्रेस में होंगे शामिल, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में होंगे पार्टी में शामिल। विजय जैन कल होंगे कांग्रेस में शामिल। तो विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बड़ा दल बदल देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी के नेता जहां बीजेपी में आ रहे हैं, तो बीजेपी के कुछ नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता विजय जैन कांग्रेस में कल शामिल होंगे, भूपेंद्र हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी का दामन थामेंगे कांग्रेस का। पानीपत से टोटल न्यूज के एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए, सीधन का रुख करेंगे। देवेंद्र, एक बड़ा परिवर्तन, विजय जैन कांग्रेस में शामिल होंगे, बीजेपी के नेता हैं, किस तरीके से देखा जाए? ये पार्षद भी रहे नगर निगम के, अब तो उनका कार्यकाल खत्म है, लेकिन बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, बीजेपी में अपने आप को बनाए हुए थे और बीजेपी के अच्छे नेताओं में, प्रभावशाली नेताओं में इनकी गिनती थी, लेकिन ये टिकट मांगना चाह रहे थे, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे थे बहुत टाइम से, जनसंपर्क और आजकल सुबह सुबह वो पैदल यात्रा भी निकाल लेते, लेकिन चर्चा थी पिछले कुछ दिनों से कि कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, भूपेंद्र हुड्डा के संपर्क में है। अब ये खबर पुख्ता हो गई है कि भूपेंद्र हुड्डा कल सुबह 9:30 बजे रोहतक में ज्वाइन कराएंगे विजय जैन को। विजय जैन की कोशिश रही है कि पानीपत ग्रामीण से बीजेपी उनको टिकट दे दे, लेकिन चूंकि महीपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण से बीजेपी विधायक है, मंत्री है, अब तो इनको लगा शायद ढांडा के रहते उनकी चल नहीं पाएगी या टिकट नहीं मिलेगी, तो इस खतरे को भांपते हुए कांग्रेस में जाना बेहतर समझा। लेकिन पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस के टिकटार्थियों की लाइन लगी हुई है, बहुत सारे लोग हैं, एक दर्जन के आसपास तैयारी कर रहे हैं बहुत टाइम से कि कांग्रेस के टिकट पे लड़ाई लड़ेंगे चुनाव हम पानीपत ग्रामीण से। लेकिन विजय जैन के कांग्रेस में आने से समीकरण बिल्कुल बदलते हुए लग रहे हैं। अभी खबर यह है कि सुबह 6:30 बजे पानीपत से विजय जैन चलेंगे और 9:30 बजे के आसपास कुछ और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा बजाय दिल्ली के उनको रोहतक में ज्वाइन कराएंगे, ये पुष्टि हो चुकी है इस बात की। तो विजय जैन के कांग्रेस में जाने के बाद स्थानीय समीकरण जो है पानीपत ग्रामीण सीट, जिसको हम होट सीट मानते रहे हैं, एक दर्जन लोग कांग्रेस में ही टिकट की लाइन में थे, लेकिन विजय जैन के आने के बाद लगता है उनकी भी उम्मीदें धूमिल पड़ जाएंगी कि टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होता है वो बात की बात है, लेकिन विजय जैन मजबूत नेता है, उद्योगपति हैं, बहुत दान भी करते हैं, लोगों से संपर्क भी बनाए हुए हैं और एक उज्ज्वल भविष्य या विधायक बनने की चाह में शायद कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं जी। देवेंद्र, विजय जैन के कांग्रेस का दामन थामने के बाद कांग्रेस को कितना फायदा होता नजर आ रहा है, और अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को क्या विजय जैन के जाने से कुछ नुकसान होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए सौरभ, 2009 में परिसीमन के बाद पानीपत ग्रामीण नई सीट बनी थी, परिसीमन के बाद 2009 का चुनाव हुआ, 2014 का, 2019, इन तीनों चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त हुई, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी की जमानत नहीं बचा सका उम्मीदवार, क्योंकि अभी भी ये संकट जरूर था, टिकटार्थी एक दर्जन है लाइन में, लेकिन मजबूत चेहरा शायद नहीं था। तो विजय जैन के आने के बाद विजय जैन को मैं मजबूत चेहरा मान सकता हूँ, नॉन जाट है, बड़े उद्योगपति है, इंडस्ट्री से जुड़े लोग इनके साथ है, जो लेबर काम करते हैं फैक्ट्रियों में, तो उस लिहाज से मेरे को लगता है कांग्रेस ज्वाइन ही शायद इसलिए करा रही है कि एक उनके पास मजबूत कैंडिडेट आ रहा है, अगर ग्रामीण से चुनाव लड़ते हैं तो उम्मीद भी है कि शायद वो सीट निकाल सकते हैं, इसी वजह से वो विजय जैन का फैसला भी है और कांग्रेस उनको गले लगा रही है। तो पानीपत ग्रामीण सीट पर अब जो सियासी समीकरण है वो थोड़ा सा बदल जाएंगे और क्या होता है आज कोई कुछ नहीं कह सकता जी। बिल्कुल देवेंद्र, एक बड़ा सवाल, वो बेहद बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से हमने देखा लोकसभा चुनाव के दरमियान कि कुछ कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें न सिर्फ अपने कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट किया बल्कि उनको टिकट भी थमाया। अब विजय जैन जब कांग्रेस में पहुंचेंगे तो क्या कांग्रेस में भी वही परिपाटी देखने को मिल सकती है? देखिए सौरभ, बीजेपी के बारे में कहा जाता है बीजेपी कभी दबाव के आगे झुकती नहीं, कोई कितना बड़ा नेता हो, बीजेपी के जो हाई कमान है वो कभी किसी की परवाह नहीं करता, ना किसी के आगे झुकता, ये बीजेपी का अक्सर स्टैंड रहता है, कहा भी जाता है कि बीजेपी झुका दबाव के आगे कभी झुकती नहीं है। विजय जैन दबाव बनाए हुए थे लेकिन
जिनकी टिकट ये कटवाना चाह रहे थे, जिनकी जगह टिकट पाना चाह रहे थे, वो महिपाल ढांडा है जो लगातार दूसरी बार जीते थे 2019 का चुनाव बीजेपी की टिकट पर, लगातार दो बार विधायक बने और फिर अब मंत्री हैं। तो एक बड़ा चेहरा था बीजेपी, मेरे को नहीं लगता उन विजय जैन को कंसीडर करती महिपाल ढांडा के होते हुए। तो शायद उन्होंने विजय जैन, और चूंकि कांग्रेस भी उनको लालच दे रही थी कि आप आ जाओ, उनको मजबूत कैंडिडेट चाहिए, जैसा भूपेंद्र हुड्डा भी बार बार कहते हैं कि मजबूत कैंडिडेट को टिकट देंगे जो जिताऊ होंगे, क्योंकि विधायक जीतेंगे तो सरकार बनेगी ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। तो विजय जैन अब कांग्रेस में एंट्री कर रहे हैं कल, और दूसरा बीजेपी की रणनीति क्या होगी, महिपाल ढांडा उनके पास मजबूत चेहरा पहले से ही है, लेकिन मेरे को लगता है विजय जैन को कांग्रेस की जरूरत थी और कांग्रेस को विजय जैन की, तो दोनों एक दूसरे के पूरक बनने फिलहाल ये लग रहा है। देवेंद्र, एक आखिरी सवाल आपसे मैं लेना चाहूंगा, क्या विजय जैन की जो महत्वाकांक्षाएं थी जो बीजेपी में पूरी नहीं हुई, क्या वो मान लिया जाए कि अब कांग्रेस में वो सारी महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी? देखिए सौरभ, विजय जैन जिस मकसद के साथ जा रहे हैं, मेरे को लगता है महत्वाकांक्षा तो, लेकिन ये भी भूपेंद्र हुड्डा ने उनको आश्वासन तो दिया है कि आपको कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि मजबूत व्यक्ति हैं ये, और टिकट अगर मिलती है तो सीट निकाल सकते हैं, और कांग्रेस को विधायक चाहिए तभी तो सरकार बनेगी ना, मजबूत कैंडिडेट उनके हाथ लगा है। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि शायद टिकट, अब देखिए आप कांग्रेस में आए थे, चौधरी बीरेंद्र सिंह आए थे बीजेपी से, कांग्रेस से बीजेपी में गए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में आए, लेकिन उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह को टिकट तो नहीं मिली। हालांकि ये विजय जैन तो अभी कुछ भी नहीं है, महज पार्षद थे, लेकिन एक उद्योगपति का बड़ा चेहरा है और पब्लिक में काफी इनकी मतलब पैठ है, हर जगह आना जाना, सुबह से शाम तक लोगों में रहना, पब्लिक रिलेशंस को मजबूत करना, तो एक मजबूत चेहरा कांग्रेस के पास जा रहा है। लेकिन बीजेपी को इससे कोई नुकसान होगा मेरे को नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी के पास बहुत चेहरे और भी हैं अभी, लेकिन ये है कि मजबूत आदमी के जाने का फर्क तो थोड़ा बहुत स्थानीय तौर पर पड़ेगा ही। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो विजय जैन कल कांग्रेस में शामिल होंगे, और अब कांग्रेस को जहां मजबूती मिलेगी तो जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसके साथ वो कांग्रेस का दामन थामेंगे। अब देखना होगा कि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हैं, उसमें पार्टी को इसका कितना फायदा मिलता है।